काला पीपल नगर में नवरात्रि का समापन हो जाने के बाद भी माता के जयकारों की धूम मची हुई है। इस गरबा उत्सव के दौरान सालों से परंपरागत रूप में चली आ रही सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा कन्याशाला के सामने माताजी को विशेष झांकी में विराजित किया गया है, जहां रोजाना रात्रि को माताजी की नौ आरती के साथ गरबे का आयोजन हो रहा है, जिसे देखने नगरवासियों के अलावा आसपास ग्रामों के लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। कई सालों से चली आ रही ये परंपरा नगर में साल 1960 में स्वर्गीय पंडित ब्रज किशोर जी उपाध्याय पावागढ़ से माताजी की ज्योत काला पीपल लाए थे। तब से इस गरबा उत्सव परंपरा को मनाने की शुरुआत हुई। नगर के समाज सेवी और धर्मालु बंधुओं द्वारा इस कार्यक्रम को मनाने की शुरुआत की गई। नगर में नवरात्रि के दौरान पंडित श्री उपाध्याय के निवास पर माताजी विराजित की जाती हैं। नवरात्रि के समापन पर दशहरे के दिन से कन्याशाला के सामने माताजी को आकर्षक झांकी बनाकर विराजित किया जाता है और दशहरे से शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन तक ये आयोजन चलता है। माताजी के सामने 1960 में पावागढ़ से लाई गई माताजी की अखंड ज्योत को भी विराजित किया जाता है। छह दिवसीय इस आयोजन के दौरान रोजाना माताजी की नौ आरती होती है और गरबे का आयोजन होता है। 1960 में शुरुआत के कुछ सालों बाद इस उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। छह दिवसीय इस आयोजन के दौरान कव्वाली, ऑर्केस्ट्रा, नाटक, मंचन, रामलीला अधिक आयोजन होते हैं, लेकिन आधुनिक मनोरंजन के साधन टीवी मोबाइल आ जाने के बाद इसके आयोजन पर भी फर्क पड़ा और इस छह दिवसीय आयोजन के दौरान अब केवल गरबे का आयोजन ही होता है। गरबा उत्सव के दौरान माताजी की नौ आरतियां होती हैं। महारी अम्बा जगदम्बा खेले चतरकोट में, जगमग ज्योत जलाई तू आजा मारी जगदम्बा, मैया जी थारी पायलिया में चमक घड़ी आदि आरती पर श्रद्धालु थिरक उठते हैं। नगर में इस परंपरा को शुरू करने वाले पंडित स्वर्गीय ब्रज किशोर उपाध्याय और उनके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उनके पुत्र मोहन उपाध्याय की मौत का संयोग भी इस नवरात्रि और गरबा उत्सव के दौरान जुड़ा है। पंडित जी का निधन शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात माता जी के विसर्जन वाले दिन हुआ था। वहीं उनके पुत्र मोहन उपाध्याय का निधन नवरात्रि की सप्तमी को माता जी की आरती की तैयारी करते समय माता जी के ही चरणों में हुआ था। पल में वर्ष 1960 से दशहरे के बाद भी नवरात्रि की धूम रहती है। यहाँ पे गरबा उत्सव 6 दिवसीय मनाया जाता है। कई सालों से परंपरा का अनूठा आयोजन होता आ रहा है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें आकर्षक झांकी बना के माता जी को विराजित किया जाता है। ऐसी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वाह अभी तक युवा पीढ़ी कर रही है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के सक्रिय सदस्य नीलेश शर्मा हमारे साथ हैं, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। क्या है यहाँ का इतिहास और क्या इसकी भूमिका है इस बारे में? सर्वप्रथम पंडित ब्रज किशोर जी उपाध्याय, जिन्हें हम बाबूजी के रूप में काला पीपल के लोग उनको उद्बोधन करते हैं, उन्होंने पावागढ़ से माँ अम्बे की ज्योति ला करके और फिर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का गठन हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया, काला पीपल के समस्त नागरिकों के द्वारा, फिर सबसे पहले कन्याशाला के सामने वहां पर वो ज्योति रखकर और उसके आसपास गरबा खेल करके उसकी शुरुआत की गई। फिर धीरे धीरे होशंगाबाद से अम्बे जी की मूर्ति लाकर मूर्ति की स्थापना करके और फिर उसकी शुरुआत की गई। विगत लगभग 50 वर्षों से यही परंपरा जारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज हमारे द्वारा काला पीपल के समस्त नागरिकों के सहयोग से उसको आयोजित किया जाता है। इसमें दशहरे को सबसे पहले 9 दिन बाबूजी ब्रजकिशोर जी उपाध्याय जी के निवास स्थान पर मां अम्बे की स्थापना होती है। फिर दशहरे की रात्रि को वहां से पूरे काला पीपल का भ्रमण करके मां अम्बे की मूर्ति कन्याशाला के पास में स्थापित की जाती है। वहां पर 5 दिनी गरबा उत्सव शुरू होता है, जिसमें दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा को फिर खीर की महाप्रसादी का
भोग नगर के सभी भक्तों के द्वारा लगाया जाता है और बड़ा उल्लास का आनंद का वातावरण रहता है। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन माँ अम्बे का विसर्जन किया जाता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए काला पीपल जिला शाजापुर से जसपाल सिंह गुरुदत्ता की रिपोर्ट।